करवाना है जब, और अब जब करेगा तो मीटर काउंट करेगा। अब कितनी जंप कर रहा है, कितनी बड़ी जंप कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते ना, अभी रहना है, अभी सिर्फ जंप करवाना है, कितनी बार ये भी नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक रख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी छोड़ दें, जस्ट एक मैंने सिंपल वाइल्ड रखा, ये जो मैंने जहाँ ट्रू लिखा है ना, यहाँ मुझे कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है जो कि हमेशा ट्रू हो, मतलब इन्फिनिट चलता ही रहे फिलहाल के लिए। क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है ट्रू है? जीरो से ऊपर क्या चीज मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है फिलहाल, मैं चाह रहा हूँ इन्फिनिट चले। मैं ये भी कर सकता हूँ खाली ट्रू लिख दूँ क्योंकि उसका आंसर ट्रू आता है, या ये करते हैं वन इक्वल इक्वल वन, क्योंकि हमेशा ट्रू रहेगी ना, चलता ही रहेगा। ये कर रहा है हमारा फ्रॉग जंप, फ्रॉग जंप का मतलब ये बार बार लूप चल रहा है, याद रखता हूँ। अब हम इसमें काम करते हैं, एक ले लेते हैं काउंटर और इस वैल्यू को काउंटर प्लस, ये करेगा काउंटर प्लस कर चले जाएंगे। सही, अब हम कहते हैं भाई अगर काउंटर वन है तो एक वेरिएबल जिसमें मीटर्स कवर उसने कर लिए, जो कवर कर चुका है वो हो जाए तेरह। पहली जंप पे अगर काउंटर वन है तो तेरह प्लस हो जाए, दूसरी जंप पे दूसरी वैल्यू की वो प्लस हो जाए। मीटर्स में ठीक है, चार जगह डिफाइन कर दी, पहले जब लगाओगे तो मीटर्स में कवर्ड मीटर में प्लस हो जाएगा तेरह, फिर सात, फिर नौ, फिर ग्यारह, ये वैल्यूज थी या चेंज होनी चाहिए थोड़ी सी, जो भी वैल्यूज थी वो रख लीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ जंप पे भी कोई वैल्यू दे दो, फिर फिफ्थ जंप पे कोई सेवन प्लस कर दो, फिर जंप की भी दे देते पाँच दे दी मैंने वैल्यू, प्लस में सात कर ले। एल्स, एल्स का मतलब क्या, इससे बड़ा ही हो, अब वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो छः हो, सात हो, आठ हो, नौ हो, एल्स वाला चलेगा। तो इसमें ये प्लस कर ले, अब जितनी भी जगह पांच प्लस हो जाए, सिर्फ जंप्स जमा करता हूँ। क्लियर हो रहा है अभी? बिल्कुल एंड रिजल्ट पे नहीं आ रहे हम, क्यों करे जंप कैसे खा दी, जस्ट जंप करे और मीटर कैलकुलेट करे, पहली जंप पे तेरह, दूसरी जंप पे ये। अब फॉर सपोज ये लूप पांच बार चलता है तो वन वाली प्लस होगी, टू वाली, थ्री वाली, फोर वाली, फिर फाइव है ना। अब हम यूजर से ऊपर ले लेते हैं कि उसने कितने मीटर्स कैलकुलेट करने, कितने करने, यूजर ने दे दिया फर्स्ट करो, आप गल के ले ही लेते हैं यूजर से,
ठीक है, क्लियर? मोटी बात थोड़ा सा रहता है। कितने करेगा आप पता ही है ना, मीटर्स दे दिए और अभी रोका थोड़ी, अभी तो चले जा रहे हैं, चलते ही रहे, फिर रुकेगा नहीं, रोका ही नहीं हमने, अभी कंडीशन भी लगाई तो रोका ही नहीं। लूप कवर होता है जब जी यूजर ने मीटर दिए ना, वो जो जो कवर मीटर हमारे जमा हो रहा है दोनों में कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होगा, मीटर्स बड़े नहीं होने चाहिए, कवर्ड मीटर्स बड़े नहीं होने चाहिए, जहां बढ़ा नहीं ब्रेक कर दो, तो एक वेरिएबल यहां ले लेते हैं जंप्स जीरो, नीचे एक अलग कंडीशन लगा देते हैं, अगर मीटर्स छोटे हैं कवर्ड मीटर्स से तो जंप्स में एक प्लस कर दें, ये एज अ जंप काउंट हुआ, एल्स लूप खत्म कर, नहीं क्या अगर मीटर पहले आए, मीटर यूजर ने दिए, मीटर बड़े हैं आगे सर, ये इधर आएगा वो उधर आएगा, यूजर ने दिए 100, यहां है हमारे पास अपना वैल्यू, अगर ये 13 होता है, 13 अगर छोटा है 100 से तो वापस जंप करो, फिर अगर ये 20 छोटा है फिर जंप करो, 20 और 30 छोटा है फिर जंप करो, ये हो गया आपके 102 छोटा है ना, ब्रेक कर दो, जब मैं प्लस नहीं करो, जब ऐसा जंप काउंट नहीं करो, लूप खत्म करो, और नीचे नंबर ऑफ जंप्स प्रिंट करा दो, तो ये जंप्स हमने कैलकुलेट करें, नहीं इक्वल नहीं, लेस होने चाहिए, कर सकते हैं सेफ्टी का, वैसे तो ये ओवर लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, सही कह रहे हो, बराबर हो जाएंगे तो फॉल्स होगी, ब्रेक हो जाएगा, बराबर भी नहीं हो ना, बराबर भी वही काम हो, अगर 100-100 हो जाए तो ब्रेक, तभी अचीव तो हो गया ना, ब्रेक हो जाए, 100 लेस देन 100 फॉल्स हुई ना, मल्टीपल इससे ज्यादा है हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा प्रोग्राम बनाने से पहले तो जाने हमने ऐसा कैसे सपोर्ट किया कि इतना क्या चल सकता है, नहीं ये लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार भाई ये चलता ही जा रहा है, 1=1 लिखा हुआ है ना मैंने, ये चलता ही जा रहा है, रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा, पहली बार चलेगा तो 13 प्लस होगा, दूसरी बार चलेगा 7, तीसरी बार चलेगा 9, चौथी बार चलेगा ये, पांचवी बार चलेगा ये, छठी बार चलेगा, तो इनमें से कोई मैच नहीं होगी, लेकिन एल्स का मैच होगा, एल्स मैच होगा, सातवीं बार चलेगा 5 प्लस होते रहे आखिर में, हाँ लास्ट में मैंने कहा था 5 होते रहे, तो अब लास्ट 7, 8, 9, 10 जितना भी चलता रहे 5 प्लस होते रहे, जंप्स के आज क्या नाम रख दिया इसका, स्टूडेंट मीटर्स 100 जंप्स 15 क्यों, नंबर मैंने वैल्यूज चेंज किए ना, वैल्यूज वो वाली नहीं है दूसरी वाली, हाँ अब इसमें थोड़ी सी है चेंजिंग है, यहां पे मीटर्स
देखें इसमें मीटर्स कवर्ड, अगर यूजर दे देता है हमें 13 से छोटे, पहली जब 13 में कैलकुलेट हो रही है, 13 से छोटे मीटर, तो यहाँ पे जंप में हमने प्लस नहीं किया। अब ये भी तरीका है, तो बाय डिफॉल्ट जंप बंद करते हैं, जो बड़े हैं तो कैलकुलेट कर रहा है, छोटे पे वो नहीं करता ना, या फिर ये कंडीशन उठा के ऊपर रख दूं इससे पहले प्लस होने से पहले। देखो ये जो काम है ना, ये ऊपर रख दे, क्यों दोनों चलते हैं, लेकिन यूजर ने दिए मुझे मीटर 5, सही मीटर कवर्ड अभी कितने हैं, ऊपर रखने हैं 0, 0 लेस देन 5, ट्रू है, देखो इसको चेंज कर, 0 लेस देन 5 है प्लस हो गया, सही है, ठीक है। अब अगर यूजर ने मुझे दिए हैं बाद में आके 13 सेकंड वैल्यू में 17 प्लस टू 15 मीटर, 15 मीटर पे क्या होगा, मीटर्स कवर्ड 0 है लेस देन 15, जब प्लस हो गई, जब प्लस हो गई ना 13 नहीं स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग 0 लेस देन 15, जब प्लस हो गई, इसको थोड़ा बोर्ड पर लेकर देखिए, एक तो मैंने ले लिया कवर्ड मीटर्स 0, एक जो यूजर ने दिए मीटर, एक ले लिया हमने 4, ये यूजर ने दिए, बाकी हमारे काम। अगर काउंटर जो हम लूप चला रहे हैं 1 है, तो कवर्ड मीटर्स में प्लस कर दे 30, अगर काउंटर टू है तो कवर्ड मीटर्स में कर दे 7, ठीक है। काउंटर क्या है, जो लूप बार बार चल रहा है, पूरा वाइल्ड के लूप में लिखा हुआ है, तो क्या हमेशा टू इन्फिनिट लूप लगा है, सही। एल्स काउंटर प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। यूजर ने हमें वैल्यू देनी मीटर में, काउंटर मीटर में काउंट, इसके बाद नीचे कंडीशन मैंने क्या लगाई है, इफ मीटर काउंट कवर्ड वाले कवर्ड मीटर्स लेस देन मीटर्स, जब प्लस प्लस एल्स नीचे ये मसला रहता है कि मीटर्स कवर चेंज हो गए थे, 13 हो जाते हैं, 13 जैसे 7 पास हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, सही। अब देखो प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेप है, ऐसे प्रोग्राम चलेगा कैसे, फर्स्ट कर देते हैं, यूजर ने दिया हमें मीटर 7, पहले बड़े लेते हैं तो आपका 7 15, ठीक है। रैम पहले तो चला, काउंटर है 1, कवर्ड मीटर में कितना हो रहा है 13, क्या 13 छोटा है मीटर से, है ना, जब में एक प्लस हो रहा है, क्या हो गई
परिणाम फिर से चलेगा, लूप वापस चलेगा। काउंटर एट टू सी एम कवर्ड मीटर प्लस इक्वल टू स्टार, अब कितने हो जाएंगे ये 20, पहले से 13 होगा तो 20 कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद कवर्ड मीटर लेस देन 20 छोटा है 50 से नहीं, और सॉरी है सही, क्या में प्लस और हो जाएगा चलेगा। थ्री नहीं है तो ऐसे चलेगा, ये होगा आपके 34 की चार। नेक्स्ट टाइम चलेगा 39, अब पांच प्लस होते रहेंगे कोई भी आएगा, 39 भी छोटा है क्या, होगी पांच ठीक है। फिर चलेगा 44, 6, 14, 4 के बाद 49 ठीक है, सात प्रोग्राम फिर चलेगा, अभी रुका नहीं है प्रोग्राम फिर चलेगा। अब ये होगा 54 ठीक है। अब क्या हो रहा है, अपरे अब कवर्ड मीटर छोटा नहीं है, अब देखें इसको हम पहले था 13, 5, 9 फिर 5 20 39, 34, 39, 44, 49, 50 ठीक है ना। 54 हो गया नहीं क्या, ये यूजर को नहीं बताना, हमें बताना है नंबर ऑफ जॉब, कवर कितने ये नहीं बताना, नंबर ऑफ जॉब। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम ये पहले लिख दें और ये चीज बाद में हो जाएगा काम, नहीं कभी होगा ये कंडीशन जो मैंने बाद में पहले कर दी, ये पहले लिख दें और ये नीचे लिख दें, पहले कंडीशन चेक करो बाद में मीटर प्लस करो। एफिशिएंट मतलब वो मसला आ रहा है ना कि जब वो काउंट नहीं कर रहा इसलिए मैं उसको ऊपर ले गया। अब मिसाल तौर पे ये पुराने प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ यूजर ने मीटर दिया हमें 7, ये दोनों नहीं पहली चली मीटर हो गए, थर्टीन लेस देन 7 फॉल्स ब्रेक, जब क्या रहेगा और अगर वो चीज पहले लिखी होती पहले वो जीरो था मीटर, जीरो लेस देन 7 जब प्लस करो 1 करो अब 13 लेस देन, अब उसको कर देंगे 13 बड़ी लेवल से हम ब्रेक जब पहले फॉर्म करेंगे कंडीशन बाद में जाएगा उसका तो वहाँ अंडर है, हाँ बहुत सारे हिसाब का बनाए वो भी और भी है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे हैं तरीके, ये स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोग्राम है, फॉर लूप में भी हो सकता है, हो जाएगा ना फॉर में भी वाइल में हो सकता है, और फॉर नहीं दिया था मैं वाइल तो बाद में पढ़ा नहीं, कल मैंने कहा था भाई नहीं चेक करना। फॉर में क्या होगा कि एक इन्फिनिट लूप चलेगा फॉर का, जहाँ काउंटर को कंपेयर किया वहाँ आई को कंपेयर कर, तो वहाँ आई पहले से प्लस होकर मिलता है इन्फिनिट चला था कंडीशन, मैंने बाद में ब्रेक कंडीशन इसमें क्या लगेगी तो मैंने इसमें लगाई
कैसे? इफ हटा दो वही कंडीशन वाइल में रख दो और नीचे जंप प्लस कर ले या ऊपर जंप प्लस कर ले, इफ हट जाएगा ना, इफ हट जाएगा, इफ ये जंप रह जाए इफ हट जाएगा तो कंडीशन चेक होगी, नहीं है तो लूप चलेगा ही नहीं, ब्रेक करने की जरूरत। तो ये लूप्स के प्रोग्राम जो बार बार चलने वाले होते हैं ना, इस तरह लॉजिकल होते हैं थोड़े से और इससे लॉजिक स्ट्रांग होती है। अभी तो हम देते हैं स्टार प्रिंट कर लो, ये मेंढक जंप करा दो, तो कैट के कितने वो चल रहे हैं साइज में, बाल वाल कितने, उसके पता नहीं कितने प्रोग्राम है। लेकिन ये नहीं, प्रोग्राम जब काम आते हैं जब आपके पास होता है कि एक डेटा बेस से आपको डेटा उठा के लाना एक एक करके और उस डेटा पे वो कंपेरिजन करना, वहाँ पर लूप्स कराऊंगा। डेटाबेस है हमारे पास या नेटवर्क से लेके आना, या फिर मैं आपको टास्क दूँ कि आपके पास 100 ईमेल्स आ रहे हैं, उन ईमेल्स में से जो जैक्शन है उसको फॉरवर्ड करो, पढ़ने तो सारे ईमेल पढ़ेंगे ना, उसमें ढूंढना पड़ेगा जहाँ जैक्शन लिखा हुआ है वहाँ पर जाकर फॉरवर्ड करो। अगर ये लॉजिक क्लियर है, ये इजी है, जितना आगे जाते जाएंगे ना इजी होते जाएंगे प्रोग्रामिंग, जितना आगे जाएंगे इजी होते जाएंगे, जितना आगे जाएंगे इजी होता जाएगा, जितना सारा काम करें छोटे छोटे कोर्स में काम होगा, फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं सब आ जाता है, फ्रेमवर्क तो बहुत ईजी हो जाएगी, एडवांस ईजी है लेकिन ये आती है तो आगे चले। कोई वाला भी हमने किया था स्टार्टिंग में, उसमें ये था कि क्या हुआ टास्क आप तब दिखा दो ना लैब में कि क्लास में था टाइम हुआ थोड़ा कम बचा है ऐसे, है ना, ये अपन ने भी किया है सबको, तो उसमें सर मैंने उसको ये वाली कंडीशन लगा हाँ मैंने कहा मेथड एक्स्ट्रा नहीं लगेगा अभी, इक्वल इग्नोर केस तो कर देगा वो, एक्स्ट्रा मेथड है इग्नोर केस जो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा इसके बाद नए टॉपिक पे तो क्लियर हो गई डाउन हो गया थोड़ा शुरू में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही, कैच अप करो सर, थोड़ा कैच करो चीज़ों को, टाइमिंग का एक दिन आपको ऑफ भी किया था आपने, उस पर भी थोड़ा मुश्किल हो गई, लूप थोड़ा हो गया ना, प्रैक्टिस करो टास्क दे दो उससे एक्स्ट्रा, टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखो आप सब, टाइमिंग शुरू होता ना कुछ मिस हमारे मिस हो जाती है चीज़ें, प्रॉब्लम बढ़ती है आ गया। देखिए एक वेरिएबल के अंदर हम डेटा सेव करते हैं कोई भी 10, इस वेरिएबल के अंदर फर्स्ट कर लेते हैं कोई फोन नंबर है, अब मुझे 100 फोन नंबर सेव करने, मुझे 100 वेरिएबल बनाने पड़े, 1000 करने 1000 वेरिएबल बनाने पड़े, जहां बल्कि डेटा आ जाता है जहां बड़ा डेटा आ जाता है वहां हम ये डुप्लीकेट वेरिएबल्स लेते हैं, वहां यूज करते हैं कलेक्शंस, कलेक्शन ये ऐसी चीजें हैं हमारे पास हर लैंग्वेज में जिसमें एक ही वेरिएबल अपने अंदर ज्यादा वैल्यू सेव हो सके, ये एक वेरिएबल अपने अंदर 10 20 30 1000 1 लाख जितनी वैल्यू चाहे सेव, हाँ मेमोरी लेगा
लेकिन नई नई मेमोरी लेगा अपने अंदर सेव करेगा। किस तरह से मैं ये कर सकता हूँ कि एक मैंने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग नेम, सही नेम इक्वल टू अली, सिंपल कर चुके हैं। अब ये कर सकते हैं इसके अंदर अभी तो हम लिख रहे थे सिंपल अली पूरे बॉक्स नेम के बॉक्स में, अब हम ये कर सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीकेकार क्या है, इन सब वैल्यू का एक नंबर हो, फर्स्ट कर लेते हैं 1 2 3। अब ये होगा कि भी नेम के 1 पे अली है, नेम के 2 पे अहमद है, नेम के 3 पे सारे, पूरा एक वेरिएबल है जो कि तीन वैल्यू सीख कर लिखेंगे किस तरह, जिसमें क्या है कि एक ही वेरिएबल अपने अंदर तीन वैल्यू सेव कर सकते, ये चीज कहलाती है हमारा एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मतलब अगर स्ट्रिंग है ना तीन स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी हो सकता है बीच में नंबर रखें, तो थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसकी जो नंबरिंग होती है वन से नहीं, जीरो से स्टार्ट होती है, करने का लॉजिक रखा भी नहीं होता है, मैं देख के बता रहा हूं रैम टाइम वाइट होता नहीं है, नहीं कि वाइट तो जीरो भी लेता है इधर, वो इतना बता रहे हैं कि जो रैम है ना उसके अंदर जो बिल्ट इन होता है उसमें वो जीरो से काम करता है, तो आप अगर जावा लैंग्वेज से इंप्लीमेंट कर रहे हो और वो वन से कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो उसका जो जीरो वाला हिसाब बता देना, हो सकता है पॉसिबल मतलब ठीक है क्या है इधर हमारे बड़े सिस्टम्स में अगर जीरो से काम करता है मसला होता नहीं है, वैसे हो सकता है वहां निकल, लेकिन अक्सर लैंग्वेज में जीरो से स्टार्ट है, अक्सर में वन से स्टार्ट है, राइट। अब इसमें हम इस तरह जो सिनेरियो है इसको लिखेंगे किस तरह से, बनाएंगे किस तरह से, वैल्यूज किस तरह से लिखेंगे, इसमें भी लिखना पड़ेगा इस तरह से। अगर मुझे यही वाला सिनेरियो करना है, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग और ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स कहलाते हैं एरे। ठीक है, हम अपने वेरिएबल का नाम लेंगे, इस तरह करते हैं नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रिंग, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना न्यू स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये वो ये स्ट्रिंग एरे क्लास है क्या? नहीं, एरे किसी भी क्लास का बन सकता है, अभी हम स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, अगर इंटीजर बनाना है तो यहाँ एक लिखना पड़ेगा, यहाँ एक लिखना पड़ेगा, अगर हम अपनी स्टूडेंट क्लास का बना रहे हैं स्टूडेंट मॉस तो वो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एरे, लेकिन यहाँ हम ये बनाते हैं क्रिएशन के बारे में हमें ये बताना पड़ता है कि इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, कितने एलिमेंट्स अपने अंदर रख सकते हैं, ये मेंशन करना है, राइट। लेट्स सपोज मैं इसमें कह रहा हूँ 5 एलिमेंट यहाँ मेंशन करना है, अभी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है और दोनों जगह भी हो सकता है, ऑप्शनल, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ लिख लो या सिर्फ वहाँ लिख लो या दोनों जगह लिख लो, कोई वहाँ लिखता है कोई यहाँ, या ठीक इसमें आ जाएगा 3 और 4
थ्री फोर फाइव होगा, है ना, जीरो से स्टार्ट होना तो ये होगा फाइव, रेंज कितनी है फाइव, जीरो से फोर, सही है, ये बन गया सिंपल एरे। अभी वैल्यूज वगैरह इसमें नहीं रखी थी, अभी वैल्यूज कुछ भी नहीं रखी। अब वैल्यूज रखने के लिए इसको नेम स्क्वायर ब्रैकेट वन, नेम के वन पे वैल्यू, नेम के जीरो पे आ जाएगा। सिर्फ अभी रखे हैं प्रिंट में, मतलब अब नेम के टू पे क्या है, कुछ नहीं, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू जो आपकी नल, तो वहां है नल, वहां भी नल, वहां भी नल रखेंगे तो है नहीं तो नल, ठीक है, चलो खत्म हो रहेगी, खाली रहेगी, अगर उसे बंद कर दे तो जीरो भी ज्यादा रहेगी, था क्योंकि रेंज अंदर नहीं। String name five, ठीक है, clear? अक्सर इसमें ऐसे भी करते हैं, मतलब ये जो array bracket है ना, इसकी जगह यहां भी लग सकते हैं, ये भी possible है। Name of two, name of one, मतलब कोई भी पहले दें कोई भी बाद में दें फर्क नहीं पड़ता है। तीन दिए, प्रिंट इंडिविजुअल करवाने के लिए नेम ऑफ वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन पे वन वाला प्रिंट हो जाएगा, टू पे टू हो जाएगा, थ्री पे थ्री हो जाएगा, फोर पे नल हो जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू ना होती है, अगर नहीं है जीरो भी नहीं दिया, अभी मैंने जीरो भी अगर दे तो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आ गया नल, वो भी आ रहे हैं, वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो भी आ रहे हैं, ऐसे जब आर्गुमेंट दे रहे थे वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट में हम वेरिएबल दे रहे थे, पूरा पूरा एरे भी पास कर सकते, सारे नाम एक ही आर्गुमेंट में पास हो सकते, करेंगे इसी टॉपिक में आजकल भी हो जाएगी, समझ आया, सिंपल है रहे। अब अगर इसमें मुझे प्रिंटिंग करनी है कोई भी एक, मैं कोई भी एक कर सकता हूं, नेम वन चाहिए वन आ जाएगा, नेम जीरो चाहिए तो आएगा, लेकिन जीरो इंक्लूडेड है उसमें, रेंज है जीरो, इसलिए नल है। अगर मैं नेम ले लूं एट, क्योंकि एट रेंज ही नहीं है उसमें, है ही नहीं है, तो इस पे आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अगर आउट ऑफ रेंज लेंगे ना तब एरर आ जाएगा। एरर से मतलब रन टाइम, एरर कंपाइल करते हुए नहीं, कंपाइल करते हुए तो कहता है नंबर दो मुझे, बस सिंटैक्स चेक होता है, नंबर कोई भी हो, रन करते हुए वो वैल्यू उठाने जाएगा ना, वहां एरर आ जाएगा, आठ इंडेक्स तो एट इंडेक्स से रेंज, सही है।
तो ये हमारे पास सिंपल एरे है स्ट्रिंग टाइप। अगर हमें इंटीजर का किसी भी और टाइप का बनाना है, नल रहेगा वो, मतलब डिक्लेयर करें और इनिशियलाइज ना करें ना, तो आप ऐसे लिखोगे स्ट्रिंग इनिशियलाइज ही होगा, इनिशियलाइज करें डिक्लेयर कर रहे हो ना, यही कह रहा हूँ डिक्लेयर करें इनिशियलाइज ना कर, सिर्फ डिक्लेयर हो गया वो, ऑब्जेक्ट नहीं बना, इनिशियलाइज नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये डिक्लेयर हुआ है स्ट्रिंग एरे एस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनिशियलाइज नहीं हुआ, ये इनिशियलाइज हो गया। अब ये एम्प्टी एरे है, नल नहीं है, एम्प्टी एरे है, इनिशियलाइज हो चुका है, ये बन चुका है मेमोरी में, एम्प्टी है, वहाँ प्लेसेस 5 बन चुकी, उनके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं, हर इंडिविजुअल के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं। इंटीजर के लिए इस तरह बनेगा, कोई भी मैंने नंबर दे दिया, सही है, सही है। कैसे नहीं फोन नहीं, एलिमेंट्स कितने दिए मैंने, 5 एलिमेंट दे दिए ना मैंने, है ना, फोर्थ वाला नहीं आएगा, इस पे एरर आ जाएगा, क्या फोर्थ वाला 0 टू 3 कर सकते हो, 4 नहीं कर सकते, यार प्रिंट कराते हुए आप कोई भी एक प्रिंट करा लो, 4 नहीं करेगा, 2 करा लो, 1 करा लो, 3 करा लो, मैं 2 और 1 प्रिंट करवा रहा हूँ उसे, ठीक है, 2 और 1 ये नहीं आता, इसका यूसेज क्या है कि सारी वैल्यू एक साथ हो जाती है। अब अगर किसी को पास कर रहे हैं ना, तो मैं किसी को 100 नाम पास कर रहे हैं, वो 100 के 100 नाम एक एरे में रख के पूरा एरे पास कर सकते हैं, वो एक ही बार कॉलिंग होगी पासिंग, वो सारा डेटा ले जाएगा, ये नहीं होगा बार बार कॉल करके करके नाम पास कर, ठीक है। अब अगर कोई एरे हमारे पास है किसी भी तरह का, कोई भी एरे चाहे एम्प्टी है या कोई भी एरे है स्ट्रिंग का, अच्छा ये चीज और मैं क्लियर कर दूं, अभी इसमें आएगा अली, ठीक है, और अब मतलब कैसे इसमें किसी भी टाइप का आप ले सकते हो, स्ट्रिंग या इंटीजर या डबल या फ्लोट कोई, सही, जैसे मैंने इंटीजर लिया था INT सिंपल, यहाँ पे ये S1 की वैल्यू रिप्लेस हो गई, ठीक है, दिस इज क्लियर। अच्छा एक हमारे पास इसका तरीकाकार है एरे का, कि इस एरे में जो हमने साइज दिया है, साइज कितना है 4, जो 4 साइज दिया है ना, ये कहलाता है इस एरे की लेंथ, लेंथ इस एरे की लेंथ कितनी है, लंबाई लेंथ कितनी है 4, ये अगर हमें पता करना हो, वैसे दिया भी पता है, हो सकता है कोई दूसरा दे ना, यूजर पूरा पूरा किसी और ने दिया है, हमें पता करना हो कि उसकी लेंथ कितनी है, तो इसके लिए हम लिखते हैं एस डॉट लेंथ, ये लेंथ वेरिएबल है, एस लेंथ एरे का वेरिएबल है, ये बताता है आपके एरे की लेंथ कितनी है, ये नहीं बताता उसके अंदर आइटम्स कितने हैं, अभी उसमें खाली 2 आइटम है, 2 नहीं बताया, 4 बताया लेंथ कितनी, सही है।
और ये रिटर्न करेगा आपको नंबर इंटीजर। लेंथ इस ये वेरिएबल, वेरिएबल मेथड का हमेशा ब्रैकेट लगे, हाँ ये वेरिएबल। तो लेंथ इस 4, सिर्फ लेंथ, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं। वेरिएबल इज एरे का, सर एरे को हम थोड़ा सा जैसे हम फोर रख रहे हैं और नेम से नो दे, हां तो एरे को हम कर रहे हैं या देना जरूरी है चार वैल्यूज का, जरूरी नहीं, वो एम्प्टी रहेगा, नल रखेगा, नल रखेगा, एम्प्टी रहेगा। सर उसका एस को करो रहे नाम और जैसे आप नंबर दो नंबर तीन सर रेंज से बाहर फिर एरर आएगा, मतलब कॉल नहीं करता रख भी नहीं सकता, हाँ वो रखने के भी जाएगा ना, कहाँ रखो, रख भी नहीं सकते। जैसे मैं पहले जो इंटीजर में कर रहा था, तो भले अगर आप एम्प्टी छोड़ोगे ना, मैं यहाँ से ये एम्प्टी छोड़ दूँ, अभी भी लेंथ चार ही आएगी, लेंथ हम पूछ रहे हैं, लेकिन जब प्रिंट करवाओगे आप तो नल नल आएगा, इस पर कुछ भी नहीं है अंदर, सही है, क्लियर। तो लेंथ का काम ये है। अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ही स्टूडेंट क्लास तो मेरे पास नहीं है, ये दो लाइंस करके देखेंगे, दिखाया ना आइडिया है, पहले शुरू में करते थे ये, करता उसका हैश कोड वगैरह कुछ प्रिंट कर देता, मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता। अगर मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट करा दूं, इसके अंदर से रोल नंबर प्रिंट करा सकता हूँ, अंदर की नेम प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट कर दिया तो उसका वो मेमोरी का एड्रेस प्रिंट कराता है, एड्रेस का कि वो कहाँ रखा है। यही काम एरे में होता है। अगर आपने एरे डायरेक्ट प्रिंट करा दिया ना, अगर मैंने यहाँ लिख दिया एस, ये इसका मेमोरी का एड्रेस हैश कोड प्रिंट कराएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता है, ना डायरेक्ट यूज हो सकता, पास वगैरह हो सकता है, प्रिंट नहीं हो सकता। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ना एरे है ये कंप्लीट, प्रिंट के लिए मुझे पूरा एरे प्रिंट कराना है, सही, टोटल एरे प्रिंट होते हैं, चार एलिमेंट चार के चार प्रिंट। चार लेकिन अभी मैं यही बात कर रहा था कि अगर एरे मुझे किसी और ने दिए और मुझे वो एरे प्रिंट कराना हो तो कहां तक करूंगा, मुझे तो नहीं पता उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम है। या फिर इसको ऐसा ले लेते हैं, ये चार लाइनें लिखनी पड़ रही है मुझे, अगर इसमें 1000 नेम है, 1000 टाइम प्रिंटिंग कमांड लगाऊं, लूप चला सकते हैं, लूप से भी हो सकता है ये काम, है ना, लूप से कैसे हो सकता है कि ये चीज अगर मैं इस तरह करूं, हियर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ये लूप कितने बार चलेगा, 0 से 3 तक, 0, 1, 2, 3, पहली बार प्रिंट करेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसी आई को यूज करते हुए अगर मैं इसमें यहां लिख दूं ये आई, तो ये नीचे वाला काम होगा, लेकिन एक ही लाइन में हो रहा, पहली दफा 0 प्रिंट करेगा, फिर एस का 1 प्रिंट करेगा, फिर एस का 2, फिर एस का 3, सही है ना। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस एरे को प्रिंट करवा सकते हैं लूप के अंदर, ये वही प्रिंटिंग देगा। थोड़ा इसको इस तरह लिख लेते हैं, नेम एस, इसमें प्रिंटिंग वही, एस के अंदर 0, 1, 2, 3 रख रहा, एस के अंदर रख रहा था ना नीचे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एस के अंदर आई रख दिया मैंने,
एस के अंदर जीरो, नेक्स्ट फाइव एस के अंदर वन, एस के अंदर टू, एस के अंदर थ्री, सबको कोई कंफ्यूजन? यहां तक पहले नाम एजाज अली बाबर था, क्योंकि स्कूल का प्रिंट कराना हो तो है ना लूफल टाइगर सिंपल, तो पहले क्या करेगा फोर्थ थर्ड नेम, अब थ्री से चलेगा लू और कहां तक ग्रेटर इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो भी चाहिए। अब ये रिवर्स प्रिंट कर देगा, माइनस माइनस अच्छा, इसको फिर सीधा कर देते हैं वापस। इक्वल टू करेंगे तो थ्री करेंगे। अब मुझे ये एरे पूरा जो ऊपर मैंने बनाया ना, ये मिला कहीं और से जो मैं बात कर रहा हूं, और ये एरे प्रिंट करा रहा हूं, रूप लगेगा, लेकिन कितनी बार उसमें कितने नंबर है, 10 नाम है, 20 नाम है, कितनी बार लूप चलाऊं, या तो मैं चार बार चला रहा हूं मुझे पता है। अब क्या तरीके का रहे, किस तरह हो सकते हैं, नहीं इनपुट भी ले, सिर्फ कहीं से भी मुझे एरे मिला है बना बनाया, और उसकी लेंथ नहीं पता, उसकी नंबर ऑफ आइटम नहीं पता, तो अभी हमने पता किया था लेंथ अब कितना बड़ा भी एरे हो इस लूप के जरिए प्रिंट हो जाएगा, चाहे 100 एलिमेंट हो इस लूप के जरिए प्रिंट हो जाएगा, क्लियर? सिंपल एरे बनाने का, प्रिंट करने का तरीका। अब इसको और तरीके से देखेंगे, इसमें क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, पूरा वीक का टॉपिक है। मतलब हाँ, मतलब ये तो मैं अगर 4 दिए ना, एज डॉट लाइन में वो 4 आ जाए, अगर 100 देंगे तो 100 टाइम चलेगा, अगर मैं इसमें 100 दे दूं 100 टाइम चलेगा, होगा ये कि चार चीजें 0, 1, 2, 3 डिफाइन है, बाकी सारे नल नल है, तो ये चलेगा 100 टाइम, सारे नल ऊपर, शुरू में 2-3 आ रहे होंगे जो ऊपर जाएंगे, है ना, बाकी बन गया स्पेस, लेकिन तो ये फायदा वहां मिलता है जब ये पूरा एरे हमें मिलता है कहीं और से, एरे अब एफिशिएंट नहीं है, अब एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट किस हिसाब से कह रहा है, ये नल जो नल आ रहे हैं, नल आ रहे हैं, अभी एफिशिएंट नहीं, अगर इनहेरिट करते हैं किस और क्लास में, हाँ देखो नल नल करता है, बिल्कुल करता है, प्रिंटिंग के वक्त हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम प्रिंट सिर्फ वो करें, यहाँ पे ये फॉर्म कल मैं और समझा दूंगा, यहाँ पे SO5 चेक करेगा नल नहीं है तो प्रिंट करे, वरना ना करे, कि अगर s of i not equal to null है तब ये print कर, null keyword ऐसे ही direct, सही है, अब null print नहीं होगा उसके अलावा सब print, और इसमें कल काम करेंगे, हो गई ना स्टार्ट में, हाँ, अब इसमें आपने क्या करना है, एक array बनाना है 10 नामों का, वो नाम यूजर से लेना और एरे में रखना, ठीक है, हो जाएगा तीन बस, 10 नाम एक एरे बनाना है, 10 नाम्स का यूजर से नाम लेकर उस एरे में रखें, लूप के अंदर अगर करें हो जाएगा लूप, ठीक है बस।
और ये मुझे दिखा देगा कि आज आपका टाइम शॉर्ट है ना, कल इसको और कर ले। फ्रॉग वाला फ्रॉग वाला तो मैंने